हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टेट 2021 और यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूपी टेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं यूपी टेट 2021 की, ठीक है। ये क्योंकि यूपी टेट 2020 में हुआ नहीं था, इसीलिए यहाँ पे यूपी टेट 2020 लिखा है। यूपी टीईटी के लिए 11 मई को नोटिफिकेशन जारी होना है। इस बार अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प भर सकेंगे, ठीक है। जबकि पहले ऐसा नहीं था कि 3 जिलों का विकल्प नहीं भर सकते थे, अब 3 जिलों का विकल्प भर सकेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है और आपका पूरा जो शेड्यूल है, पूरी कोशिश की जाएगी कि इसी शेड्यूल में आपका परीक्षा करवा ली जाए। यूपी टीईटी का पूरा शेड्यूल क्या है? विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि 11 मई, आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत, मतलब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे आपके 18 मई से, आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून, ठीक है। अंतिम तिथि आपकी 1 जून है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून, आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 3 जून, यूपी टीईटी के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की जो शुरुआत है वो आपकी 14 जुलाई से हो जाएगी, और यूपी टीईटी की जो परीक्षा है वो आपकी 25 जुलाई को करवाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। प्रोविजनल आंसर की आपकी 29 जुलाई को यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो पूरी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या आयोग की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि ये तय समय पर ही आपकी परीक्षा हो जाए, मतलब 25 जुलाई को, ठीक है। और वर्तमान परिस्थितियां हैं, उम्मीद की जा रही है कि आगे भविष्य में ये परिस्थिति थोड़ी सी सही होगी मई के बाद, ठीक है। मई के लास्ट में ये थोड़ा सा कोरोना से जो स्थिति चल रही है, भयानक स्थिति, वो उसमें कुछ सुधार आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी जो तैयारी करें वो आप 25 जुलाई को ही मान के करें, ठीक है। तो आपके जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 18 मई से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक। यूपी टीजीटी पीजीटी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये सब है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ उसी को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा कोरोना महामारी के प्रसार, यहाँ पे देखिए अंतिम तिथियां यहाँ बढ़ा दी गई। अब ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण करने की, शुल्क जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि क्या है? पंजीकरण की बस आप लोग याद रखिए 10/5/2021 कर दी गई। 10 मई आपकी लास्ट डेट हो गई है, ठीक है। 10 मई हो गई है तो आपके पास काफी समय यहाँ पे दे दिया गया है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग अभी फॉर्म अपना भर सकते हैं। और जिस तरीके से ये सब चीजें देखी जा रही हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूपी टेट को करवाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से चांस है कि यूपी टेट की परीक्षा 25 जुलाई को करवा ली जाएगी। तो जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके बारे में काफी लोग पूछते हैं, तो एक चीज मैं बता दूं कि पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिकता दी गई थी जूनियर शिक्षक भर्ती को, ठीक है। मतलब काफी लोग कह रहे थे कि यूपी टेट नहीं हुआ है और जूनियर शिक्षक भर्ती आ गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि पिछली बार तो हो ही चुका है, तो जूनियर शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता दी गई है। तो आप लोग ये मान के चलें कि आपके जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, अगर आपकी 25 जुलाई को ये परीक्षा होती है तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती की हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी जो तैयारियां हैं वो आप लोग जून के लास्ट लास्ट जून में भी मान के चलिए, जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक वैसे मुझे ज्यादा लग रहा है, जुलाई के फर्स्ट वीक को मान के अपनी तैयारी कीजिए। आपके पास लगभग 2 महीने हैं, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझसे कहा था कि सर टाइम टेबल बता दीजिए कि किस तरीके से टाइम टेबल के अनुसार मैं अपनी तैयारी करूं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है जो आपको अभी लगभग 8:30-9 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है, अभी, ठीक है। तो चाहे तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।